कहाँ जा रहे हैं? हम ये हॉस्पिटल का रास्ता तो नहीं है। हॉस्पिटल जा कौन रहा है? क्या मतलब? गाड़ी रोको। तुम्हारे बाबा ने तुमसे कहा था कि तुमने कारी साहब से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं। उन्हें अगर पता लग गया तुम नहीं गए, वो बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन उन्हें बताएगा कौन? मैं? तुम? नहीं ना, तो फिर गाड़ी रोको। शाहजिन, गाड़ी रोको। क्या हुआ? उतरो। आओ बैठो आके। कहाँ जा रहे हैं हम? ऑफिस जा रहे हैं, वहां से एनवेलप लेंगे, फिर कारी साहब से मिलने हॉस्पिटल। माइल प्लीज। शराब कैसा है? अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा जी, जब आपके एक्सीडेंट की खबर मुझे मिली तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। आपके अलावा मेरा है ही कौन? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती? नहीं नहीं बेटी, इसे नहीं कहते हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैंने तुम इतनी बार कहा है कि हमेशा याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका रब्बुल आलमीन होता। आप एक्सीडेंट के वक्त साजिद भाई के पैसों के हवाले से टेंशन में थे ना? मना करने के बावजूद वो आपको बार बार फोन करते रहे। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी आपके लिए और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे मायूस नहीं किया। जीती रहो। मगर अब्बा जी, आपको उस बदतमीज शाहजहान को माफ नहीं करना चाहिए था। अरे हाल, इसे नहीं कहते बेटा। देखो तो शुक्र है मैं शाहजहान की गाड़ी से टकराया, मुझे अस्पताल लेकर आ गया। कोई अनजान होता मुझे वैसे ही छोड़ देता सड़क पे, क्या कर लेते हम बेटी। उससे पूछो ना, मैं तो ऐसा लगता है कि शाहजहान मेरी नई जिंदगी का जरिया बना है। तुम भी कुछ सूप पी लो ना, पानी पिला देती हूँ। मैं देती हूँ। जीते रहो। काश मैं आपको समझा सकती, वो शख्स सड़क पर रुककर मदद करने वालों में से नहीं बल्कि बीच सड़क पर तजलील करने वालों में से है। हेलो फरियाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जी तेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, अब तो ठीक हूँ, बस वो मेरी वजह से तो मुश्किल में फंस गए। मैं उस रोज़ वो सोच रहा था, मोड़ काटा, गाड़ी तो वहीं देख नहीं सका, तो तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी, मैं माफ़ी चाहता हूँ बेटा। अब्बा जी, इन्होंने आपका एक्सीडेंट किया है, आपने इनका एक्सीडेंट नहीं किया, माफ़ी तो इनको मांगनी चाहिए। I'm sorry अंकल, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। क्या बस ऐसे ही लिखा था, शुक्र है अल्लाह ने बड़ी आफत से बचा लिया। वो इब्राहिम खफा होता होगा तुमसे, डांटा होगा उसने तुम्हें। इब्राहिम और मेरा ताल्लुक ही ऐसा है, ऐसी दोस्ती हमारी ना,
मैं उसे तकलीफ में देख पाता हूँ ना वो मुझे तकलीफ में देख पाता है। अंकल यहाँ सब आपका ख्याल तो रख रहे हैं ना, कोई परेशानी तो नहीं है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अच्छा ख्याल रख रहे हैं। वो डॉक्टर आता है चेकअप के लिए। अरे खड़े क्यों? अब शाज़िन बैठो ना बेटा, बेटा बैठो। बैठो शाज़िन। यहाँ? और कहाँ बैठोगे? It's okay अंकल, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये पापा ने आपकी सैलरी भेजी है। अरे इब्राहिम बिना खूब दोस्ती निभाता है, शुक्रिया कहना मेरा। जज़ाकअल्लाह। ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़। जीती रहो बेटा, शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। अल्लाह के शुक्र। फोन देखो शाज़िन तो नहीं भूल गया ये फोन? जाओ जाओ फरियाल बेटा, देकर आओ उसे, वो जल्दी में होता है, निकलना चाहिए। जाओ शाबाश। सुनिए। हाँ मनाहिल, वो पैसे कम पड़ गए क्या? मनाहिल ये अपना फोन भूल गए थे, इनको दे दीजिएगा। थैंक यू फरियाल। तो रख लेती, तुम्हें पैसों की तो वैसे भी जरूरत होगी, काम आ जाते तुम्हारे। आप मुसलसल बदतमीजी कर रहे हैं, अपनी हद में रहें ना। हम एहसान फरामोश हैं और ना ही बेईमानी मेरे खून में शामिल है। अकड़ किस बात की है? अगर इतनी ही खुददार हो तो अपने बाप का इलाज खुद क्यों नहीं कराती? आप पे इतनी अकड़ किस बात की है? ये बात आप जाके अपने बाबा के सामने क्यों नहीं करते? और आपको तो एहसानमंद मेरे अब्बा जी का होना चाहिए था। थाने तो आप पहुंच गए थे, जेल में सड़ना बाकी था। How dare you? Stop it. Stop it. चलो, जो कुछ कल हो चुका है तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या? क्यों उसके पीछे पड़े हुए ऐसे क्यों बात करते हो उससे? उसकी साइड मत लो, ऐसे लोगों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। आप मुसलसल बदतमीजी कर रहे हैं, अपनी हद में रहें ना। हम एहसान फरामोश हैं और ना ही बेईमानी मेरे खून में शामिल है। आप पे इतनी अकड़ किस बात की है? ये बात आप जाके अपने बाबा के सामने क्यों नहीं करते? और आपको तो एहसानमंद मेरे अब्बा जी का होना चाहिए था। थाने तो आप पहुंच गए थे, जेल में सड़ना बाकी था। शुक्र करो कि अमानत अली की जान बच गई, वरना मैं तो मेक श्योर करता कि तुम जेल में ही रहते। सब कुछ क्लियर हो गया है, मैं बस सामान लेकर आ रही हूँ। मैं भी साथ चलूँ। बात सुनो सर, तुम यहीं ठहरो। फरियाल तुम जा। जी साजिद भाई। इधर आओ। जी भाई। जो औरतों के काम है उन्हें करने दो, अपने ऑफिस पर अपने काम पर ध्यान दो। कोई जरूरत नहीं इनके पीछे ख्वार होने की। मैं दामाद हूं, संभाल लूंगा सब। हो गया ऐसा? अच्छी तरह देख लिया, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। फरियाल इब्राहिम, अंकल हॉस्पिटल का बिल जमा कर चुके होंगे? बिल तो जमा कर दिया होगा, मगर अब मैं ये सोच रही हूँ बाजी, हम इब्राहिम अंकल का इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाएंगे? परेशान नहीं हो, गलती उन्हीं के बेटे की तो थी। गलती साजिद भाई की भी थी। साजिद भाई पैसे मांग रहे थे अब्बा जी से, इसी टेंशन में अब्बा जी का एक्सीडेंट हुआ है। बाजी आप साजिद भाई को समझाएं ना, अब्बा जी इतनी बड़ी रकम कहाँ से अरेंज करेंगे? मैं तो साजिद को समझा समझा के थक गई,
लेकिन उनके दिमाग पे कारोबार करने का बहुत सवाल। अब्बा जी को भी तो इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत थी। तुम्हें पता है समंदर जितना खूबसूरत होता है ना उतनी इसकी गहराई खतरनाक होती है। मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे समंदर में धक्का देगा और मैं मर जाऊंगी। पागल होगी हो क्या, दिमाग खराब हो गया कुछ भी? हाँ मोहब्बत सॉरी मजाक कर रही थी, इतनी देर से हम दोनों चुप बैठे हुए। आई हैव टू से समथिंग सड़ियल। अभी तक भूला नहीं हूँ, तुमसे एक बात कही थी मैंने। क्या? तुमसे मैंने कुछ कहा था। पसंद करता हूँ तुम्हें मैं नाहिल। हाँ तो यू बेटर लाइक मी शाज़ेन, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी वाहिद सबसे अच्छी दोस्त। मुझे नहीं पसंद करोगे तो किसको पसंद करोगे तुम? दोस्त? दोस्त नहीं, आई लव यू यार, मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। मुझे उस वक्त लगा तुम मजाक कर रहे हो। मैं तुम्हें पागल लगता हूं जो मैं ऐसा मजाक करूंगा तुमसे? सारी जिंदगी तो ऐसे गुजारी नहीं जा सकती ना यार। जिंदगी में एक वक्त आता है जब आपको एक पार्टनर की जरूरत होती है, टाइम पास के लिए नहीं, दोस्ती के लिए नहीं, सारी जिंदगी साथ गुजारने के लिए। मैंने हमेशा दोस्त की नजर से देखा है, मैंने कभी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं सोची है हमारे बारे में। हम हमेशा से दोस्त है, हमेशा सब कुछ ऐसे ही था। लेकिन मैं इस दोस्ती को मोहब्बत में बदलना चाहता हूं मनाहिल। Honestly, शाज़ेन ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। हमेशा से अब भी अच्छे दोस्त थे, अब मैं सोचा नहीं ना कभी। तो सोचो इस बारे में। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। जीती रहो, बहुत शुक्रिया। मैं ना ख्याल लेटे लेटे थक चुका था तो मैंने सोचा चहल कदमी करूंगा ना तो अच्छा लगेगा। अब हम साथ वॉक करेंगे। अच्छा ये नहीं, एक वक्त था कि तुम मेरी उंगली थाम के चलती थी और आज मैं तुम्हारा बाजू थाम के चल रहा हूँ। कितनी तेजी से गुजरता है ना ये वक्त। बस अब्बा जी वक्त भी एक सा नहीं रहता। अच्छा जी, बड़ी बड़ी बातें करने लगी। कहाँ जा रहे हैं बता भी दें। अब मेरे दोस्त इंतजार करें, मैं लेट हो रहा हूँ। तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। अरे मैं खा लेता हूँ। मैं खिला रही हूँ अब्बा जी। रुको, हाँ एक सेकंड, रुको रुको रुको, मैं कर दी। अरे बस हो गया, हो गया साहब। तुमने खाना खाया? आपको खिलाने के बाद खा लूंगी। मैं एक लुकमा बनाता हूँ। ठहर जब, कर जब। ऐसे इतना तो कर ही देंगे, सारी जिंदगी में खिलाया।
बाबा अगर यहाँ पे आना था तो पहले बता दिया होता मुझे, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया आपने? चलो उठो, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। मैं क्यों? प्लीज प्लीज उठो, अगर आप बेल बजाओ जाकर। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम अंकल। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मेरा जख्मी दोस्त कैसा? बेहतर है, बहुत बेहतर है। क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? जी अब आइए अंदर। शुक्रिया। इस मोहल्ले में एक वक्त गुजारा है मैंने तुम्हारे साथ, और सुनो अमानत अली अपना ख्याल रखा करो, सारे दोस्तों में से बात तुम ही रह गए हो। अब फरियाद बेटा इब्राहिम अंकल के लिए कुछ ले आओ जी। और देखो मैं शाहजहान को अपने साथ इसलिए लाया हूँ कि इसके लिए या मेरे लिए तुम्हारे दिल में या फरियाल के दिल में कोई शिकवा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं, माफ़ी की क्या बात है, मेरे दिल में या फरियाल बेटी के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों फरियाल? मैं चाय लेकर आता हूँ। हाँ जाओ, शाबाश। शुक्र है यार, अब मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ। खुश रहो अमानत अली। अरे शाहजैन तो मुझे दिल से प्यारा लगता है, मेरे अपने बेटों की तरह है। शाबाश। मेरे लिए नहीं, मैं इस टाइम चाय नहीं पीता। अब मुझे तो फरियाल के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है, दो कप पियोगा आज। अरे लाइट चली गई, वो लोड शेडिंग कर देते हैं। मैं रिचार्जेबल फैन लेकर आती हूँ। माँ देखो बेटा, अरे बेटा ये क्या कर रही हो? शाहजहान जाओ उसकी हेल्प करो यार। मैं? अरे तुम नहीं तो और कौन है? देख नहीं रहे एक लड़की इतना बदन उठा कर ला रही है। मुझे लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। ओहो अब्बा जी, बाकी सब घरों की लाइट तो आ रही है। हाँ? मुझे लगता है कि हमारे फ्यूज का कोई मसला है। मैं देख के आती हूँ। हाँ, चलो शाहजहान। चलो बहुत शुक्रिया तुम लोग आए, और ये बिजली की माजरत। नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, गर्मी बेटा मैं। हाँ शाहजहान चले चले प्लीज। ओके अल्लाह की शुक्र, खुदा हाफिज़। अरे फरियाल क्या कर रही हो? वो ब्रेकर का फ्यूज खराब हो गया है, ठीक हो जाएगा। जाओ बेटा उसकी हेल्प करो। हम वैसे ही जा रहे हैं ना, क्या जरूरत है, तुम किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला देना। अरे रात के इस वक्त इलेक्ट्रिशियन कहाँ से मिलेगा,
जाओ उसकी हेल्प करो, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करो, जाओ। सच पूछो तो मुझे हमेशा से दामाद के रूप में तुम्हारे जैसा ही बेटा चाहिए था। शाहज़ैन, मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। लेकिन आंटी, मुझे लगता है आपकी बेटी सीरियस नहीं है, मुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने उससे सही से बात नहीं की है। मुझे तो लगता है कि वो मुझे से इतना समझना ही नहीं चाहती, शायद जानबूझ के इग्नोर कर रही है। तुम कहो तो मैं मनाहिल से बात करूं। आप? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मनाहिल से अच्छी दोस्त मैं हूं तुम्हारी, और तुम्हारी अम्मी की भी तो बेस्ट फ्रेंड थी मैं। इस तरह तो मेरी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हुई, है ना? आंटी, यू आर ग्रेट। सही कह रही हैं आप, अम्मी अगर जिंदा होती तो वो भी यही करती। लेकिन आंटी, मैं ये नहीं चाहता कि मनाहिल किसी के प्रेशर में आके फैसला करे। मैं चाहता हूं कि अगर वो मेरी जिंदगी में शामिल हो तो उसकी मर्जी शामिल हो इसमें। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम इस तरह से सोचते हो। जीते रहो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मनाहिल अपनी जिंदगी के लिए दुरुस्त फैसला करेगी, क्योंकि ये बात मैं जानती हूँ कि तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर मेरी बेटी को मिल ही नहीं सकता। शाहज़ैन आया था आज, काफी देर बैठा, बहुत सारी बातें की मुझसे। तुम्हारा इतना इंतजार किया लेकिन तुम आई नहीं। सानिया के साथ शॉपिंग करने गई भी थी, खत्म ही नहीं हो रही थी उसकी शॉपिंग, ये थक गई मैं। शाहज़ैन कैसा लगता है तुम्हें? बेस्ट फ्रेंड है, बस उसी हद तक अच्छा लगता है, इससे आगे नहीं सोचा मैं। तो सोचो ना भाई, लोग बेस्ट फ्रेंड से भी शादी करते हैं और वो बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं। तो होंगे, लेकिन शाहज़ैन से मुझे ऐसी वाइब नहीं आती मॉम। मनाहिल, देखो लड़कियां शादी के बाद एडजस्टमेंट भी करती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें शाहज़ैन जैसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए।
अगर शादी के बाद एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइजेस करने ही हैं तो शाहजहान के साथ क्यों, कोई और भी तो हो सकता है। भाई इब्राहिम भाई का बिजनेस देखो तुम, फिर वो हमारी फैमिली है, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। देखें जरूरी तो नहीं है ना कि यही भी रिक्विजिट्स हों हर शादी के लिए, कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, फैमिलीज एक दूसरे को जानती हों, और भी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो सब कुछ हम नहीं देखते तो फिर ये सारे केसेस सामने आते हैं ना, डिवोर्स के और डोमेस्टिक वायलेंस। मॉम मैं शाहजहान को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ इशूज, मूड स्विंग्स तो हैं ही उसके अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन उसके एंगर मैनेजमेंट इश्यूज बहुत सिवेयर हैं, बहुत सिवेयर। मॉम अभी तो वो दावे कर रहा है कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, शादी के बाद उसको मेरी एक बात भी बुरी लगी ना तो वो नफरत करने में एक सेकंड नहीं लगाएगा। आई नो हिम वेरी वेल। मनाहिल मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ओवरथिंक कर रही हो। आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, शाहजहान ने कुछ कहा है आपसे? अरे नहीं, उसने क्या कहना है मुझे, बस ऐसे ही दिल में बात आई तो मैंने सोचा कि तुमसे कहूं। वैसे भी मनाहिल इवेंचुअली शादी तो करनी है ना तुमने। हाँ तो टाइम आएगा तो कर लूंगी, लड़का भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। अच्छा चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ अब्बा जी सो रहे हैं। अब कैसी तबीयत है उनकी? बहुत बेहतर है, आज सुबह मस्जिद ही गए थे नमाज पढ़ने के लिए। माशाल्लाह, अंकल अपनी नमाज का कितना ख्याल रखते हैं ना। रखना भी चाहिए, क्योंकि हम पे सबसे पहला हक हमारे रब का है, और जब इंसान नमाज की पाबंदी करता है अपने लिए नेकी के दरवाजे खोल लेता है और 10 तरह की बुराइयों से भी बच जाता है। चाय लेके आती हूँ। फरियाल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? तुम यहाँ मत आया करो जुहेब। पर क्यों? साजिद भाई को तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। देखो साजिद भाई को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, आई डोंट केयर। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें कैसा लगता। मुझे क्या एतराज होगा, तुम आ जाते हो, घर के 10 काम हो जाते हैं बस। तुम क्या सुनना चाहते हो? मैं कैसा लगता हूं? तुम एक अच्छे इंसान हो जुहेब, और जो अच्छे इंसान होते हैं किसी को बुरे नहीं लगते हैं। अगर तुम्हें मैं बुरा नहीं लगता तो क्या मुझसे शादी करूंगी? तुम्हें ये क्या हो गया अचानक? जो हुआ है वो अचानक ही हुआ है। देखो मैं साजिद भाई से बात कर लूंगा। तुम मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर अपने भाई को जानते हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की जिंदगी में मजीद मुश्किलात आए। नहीं होगी, नहीं होगी, तुम सबका ख्याल रखती हो सिवाय अपने। अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और मुझे पता है कि अब क्या बात करनी है। हमारे बारे में ही सोच रहा था मैं। तुमने मॉम से कोई बात की है हमारे बारे में? जाहिर बात है तुम नहीं मान रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारी मॉम से शिकायत लगा दूं। तो तुमने ये भी सोचा होगा कि मॉम मुझसे बात करेंगी, मुझे प्रेशराइज करेंगी, तो आई विल से यस, राइट? मनाहिल अब मुझे लगा शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो आई एम सॉरी। ये हम दोनों का प्रॉब्लम है शाहजहान, मॉम को क्यों ड्रैग कर रहे हो इस सब में? मुझे एंजाइटी होने लगी है तुम्हारी इन बातों की वजह से। मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी जहन,
अपना है। देखो ओके फाइन आई एम सॉरी। देखो मैं तुम्हारा इस वक्त गुस्सा नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता, गुस्से में फैसले मत करो, थिंक अबाउट इट, सोचो इस बारे में, टेक योर टाइम प्लीज। द थिंग इज मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया तुम्हें एज माई लाइफ पार्टनर। मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि तुम्हारी ये जो एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें शाज़ेन, क्या नाम है उस लड़की का, वो फरियाल। I've seen how you behave with that girl. Then what's wrong with you? हमारी बात में तुम उस बेकार लड़की का जिक्र क्यों कर रही हो? See? This is exactly what I'm talking about. एक ही सेकंड में कोई भी तुम्हारे लिए ना बेकार हो जाता है। मुझे इसी बात का डर रहता है। अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करें। Hello, Manahe. Hello. राल आपी, आपको पता है मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। शुक्रिया लिशबा, और तुम देखना एक दिन तुम भी मेरी तरह नात पढ़ सकोगी, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ये तो बहुत मुश्किल है। जिस काम को दिल से किया जाए वो आसान हो जाता है। मैं जाऊं? हम्म, आ लिशबा बेटा, शाबाश, आ जाओ। को पढ़ा लिया तो यहाँ पे कड़ी कर क्या रही हो? जाओ। क्या मसला है आपका? तमीज से बात नहीं कर सकते? तो अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी? हाँ? इस बाप बेटी ने मेरे घर वालों का दिमाग खराब कर रखा है। खबरदार जो अब्बा जी का नाम भी लिया तो क्या करोगी तुम? हाथ उठाओगी मुझ पे? ठीक है, ये भी देख लेते हैं। उठाओ, उठाओ, मारो, I dare you, चलो उठाओ, मारो, come on, hit me। हाथ छोड़े। मैंने तुम्हारा उठा, मारो। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़े। हाथ उठाओ मुझ पे। हाथ मत लगाइएगा दोबारा मुझे। Dare you? अरे यार बेटा, कैसी हो? अमानत अली कैसा? अब अंकल, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आपने मदद की उसका बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, मैं तुमसे नाराज हूँ। मेरा मतलब है कि तुम बिला झिझक मदद के लिए क्यों नहीं कहती हो? क्या पराया समझती हो? नहीं अंकल, अब मदद अपना करे या गैर, जो मदद खुलूस से की जाती है उसके लिए दिल से दुआएं निकलती है, और जो मदद इज्जत नफ्स को मजरूह करने के लिए की जाए तो वो रूपे बोझ बनी रहती है। मैं समझा नहीं। बुरा मत मानिएगा अंकल, मगर आप अपने बेटे को समझाइए कि गाड़ी देख के चलाया करे, क्योंकि हो सकता है कि मेरे अब्बा जी में जो माफ करने का ज़र्फ है वो किसी और में ना हो। चले, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। नहीं बेटा, तुम अकेली नहीं जाओगी, शाज़ान इसे छोड़ कर आओ। अंकल मैं चली जाऊंगी। देखो बेटा, मैं नाराज हो जाऊंगा, तुमसे कहा ना कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, और वैसे भी अमानत अली जो है मेरे दोस्त है, मेरा यार है। शाज़ान छोड़ कर आओ इसे। श्योर बाबा, why not? चले। शाज़ेन कहाँ लेके जा रहे हैं?
गाड़ी रोके। शाहजहान भी कह रही हूँ कि कहाँ लेके जा रहे हैं गाड़ी रोके। शाहजहान मैं आपको कह रही हूँ गाड़ी रोके, कोई हादसा हो जाएगा। मैं आपको कह रही हूँ गाड़ी रोके शाहजहान, शाहजहान गाड़ी रोके, प्लीज गाड़ी रोके।